Subscribe to Adda247 and press the bell icon to never miss another update. गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका अड्डा 247 पर। आज हम लोग हाजिर है हिस्ट्री 500 एमसीक्यू की चौथी सीरीज़ लेकर। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं लगभग 25 से ज़्यादा प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून शिवा जी, देवव्रत जी, गुड आफ्टरनून। फटाफट आप लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून सौरभ कुमार, जल्दी से जुड़ जाए सभी लोग ताकि हम लोग इस सीरीज़ को फटाफट स्टार्ट कर सकें। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये बस नाम का ये 25 क्वेश्चन होता है, लेकिन साथ में हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन या उससे भी अधिक क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर डाला जाए। मुकेश लाल जी, स्टैटिक जीके हम बहुत जल्दी स्टैटिक जीके का सीरीज़ ले आएंगे। इसे फिनिश करने के बाद स्टैटिक जीके का भी अलग अलग उसकी सीरीज़ लाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, है ना। विद इन वन वीक, एक वीक के बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग लाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक से लाएंगे। हाँ हेलो मंगल जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सर थॉमस रो ने किसकी अदालत का दौरा किया था। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि थॉमस रो ने किसकी अदालत का दौरा किया था। अकबर की अदालत का, जहांगीर की अदालत का, शाहजहां की अदालत का या औरंगजेब की अदालत का। आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। एनटीपीसी का भी कराएंगे देवव्रत जी, सारा होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, है ना। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी स्टैटिक जीके करंट हर चीज़ आएगा। पॉलिटी के भी एमसीक्यू सीरीज़ को लेकर आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। अच्छा बड़े भारद्वाज जी, आपने नाम ही बदल लिया अपना, ओके। चलिए तो क्वेश्चन इसका जवाब दोस्तों हमारे पास आना शुरू हो चुका है, सभी लोग इसका जवाब दे रहे हैं जहांगीर। याद रखेंगे इसका सही जवाब, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि जहांगीर जो है, जहांगीर ही इनके ही काल में थॉमस रो इन्हीं के दरबार में आया था। थॉमस रो किनके दरबार में आया था, जहांगीर के कोर्ट में आया था। और याद रखें ये जहांगीर के कला, जहांगीर के टाइम में ही चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास भी हुआ था। तो हमारा प्रश्न आप लोगों से है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी, आप लोग बताएंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। किसने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। प्रश्न है आपसे किसने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। ऑप्शन है अशोका, पुष्यमित्र, मैनेंडर या कनिष्का। मैनेंडर या कनिष्का, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल गुड आफ्टरनून राजू शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। और दोस्तों इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आ जाए। और आप लोगों को ये ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो हमारा क्लास का शेड्यूल ये 5 मिनट पहले हो गया है। आपको टाइम यूट्यूब चैनल पर आप जब देखेंगे, हमारा क्लास अब हर क्लास जैसे 11 बजे पहले टाइम हुआ करता तो 10:55 से प्रारंभ होगा। अगर कोई 12 बजे हुआ करता तो 11:55 से होगा। यानी कि जितने भी क्लासेस, जैसे हर क्लास 5 मिनट पहले प्रारंभ होता है, स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये अपडेट कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख के 5 मिनट पहले आप लोग क्लास में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका जवाब आना शुरू हो चुका है, किसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो हमारे पास इसका जवाब आना शुरू हो चुका है, सभी लोग बता रहे हैं अशोका। तो याद रखेंगे अशोका द ग्रेट, इन्हें ही क्या कहा जाता है, अशोका द ग्रेट या अशोक महान ये भी कहते हैं। इन्होंने ही 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो है सांची का स्तूप है। कहाँ का स्तूप है, सांची का स्तूप है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और याद रखेंगे ये जो स्तूप है ये किसका प्रतीक है, बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है ये
स्तूप। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दांडी मार्च के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बिल्कुल राकेश पंडित जी सही बता रहे हैं आप, विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को ही इंग्लिश खान कहा था, है ना। इंग्लिश खान किसे कहा था? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कहा था, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दांडी मार्च के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट, गृह आंदोलन, उसके बाद है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, या फिर ऑप्शन है सिविल डिसऑबिडियंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि दांडी मार्च, दांडी यात्रा, आप लोगों ने सुना होगा दांडी इज इन गुजरात, है ना। ये क्या किया गया था? इसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। नमक कानून जो सॉल्ट लॉ था उसका उल्लंघन किया गया था, उसे तोड़ा गया था, है ना। दांडी ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। तो यहां से जो प्रारंभ करी थी, कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? तो बहुत बढ़िया, अक्की तिवारी जी बता रहे हैं सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1932 को नहीं हुआ था बेटा, 12 मार्च 1932 नहीं, ईयर को करेक्ट कीजिए आप। 72 लोग गए थे, वेरी गुड मंगलपाल जी, वेरी गुड कुंदन कुमार जी सही बता रहे हैं, 1930 में, ठीक है ना। ये क्लास की टाइमिंग मुकेश लाल जी 11 बजे है, 1 बजे है और 3 बजे है ना। हिस्ट्री की क्लास जो है ये 3 बजे होती है, ठीक है ना। अब याद रखेंगे इसका जो सही जवाब है दैट इज सिविल डिसऑबिडियंट मूवमेंट, या जिसे हम लोग CDM बोलते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये दांडी के गुजरात में नमक कानून को तोड़कर इसका उल्लंघन किया गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर याद रखेंगे ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, 1 अगस्त 1920 को, और इस आंदोलन के पहले दिन ही मृत्यु हुई थी किसकी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और यहां पर याद रखेंगे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुई थी, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है महात्मा करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो याद रखेंगे करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन किस आंदोलन के दौरान दिया था? दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऐसे ऐसे बड़ा प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ के साथ निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा सबसे पहले हुआ था? यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित भारत स्वतंत्रता संग्राम में संग्राम के संदर्भ के साथ निम्नलिखित घटनाओं में ये पूछा जा रहा है, इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? गांधी इरविन पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, क्रिप्स मिशन, या फिर अगस्त ऑफर? फटाफट इसका जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर भी करते रहे दोस्तों। हाँ, करेंगे या मरेंगे बापू जी ने दिया था, बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिषना सोलंकी जी बिल्कुल सही बता रही हैं आप, ठीक है। इसका सही जवाब दीजिए 9 अगस्त, अंकित तिवारी जी, अगस्त 1947 नहीं बल्कि 1942 है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 है वो, है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सभी लोग बता रहे हैं लखनऊ पैक्ट, सभी कई लोग गांधी इरविन पैक्ट बता रहे हैं, ए ऑप्शन। अर्टा मेहर जी, करिश्मा शर्मा जी, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। सौरभ कुमार जी ए सही नहीं, रिया शाह जी ए ऑप्शन सही नहीं है। समझिए ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ये हुआ था 1931, कब? तो 5 मार्च 1931 को, है ना, गांधी इरविन पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था ये 1916 में। लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या है? लखनऊ संधि का मतलब, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में फिर से क्या हो गया था? मिलन हो गया था। जो अलग कब हुए थे? जो अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान, है ना। 1907 में उनमें क्या हुआ था? विभाजन हुआ था कांग्रेस में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में 1907 के सूरत, जिसे हम लोग सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। और जब वो लखनऊ में आकर क्या होते हैं, फिर में उनमें क्या होता है? मिलन हो जाता है
तो उसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन जो आया था भारत, ये आया था 1942 में। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और अगस्त में क्या आया था, अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 में। अगस्त ऑफर ये क्या था, याद रखेंगे, अगस्त ऑफर ब्रिटिश ने सबसे पहले, यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीयों के द्वारा संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मांग को स्वीकार किया था। किसके द्वारा? अगस्त ऑफर के द्वारा स्वीकार किया था। क्लियर है पॉइंट? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर यानी कि हमारा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 29 का बी, यानी लखनऊ पैक्ट। क्लियर है ना पॉइंट? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी साजिश का मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1924, 1925 एंड 1935। फटाफट जवाब दीजिए। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी जिसमें कि ट्रेन को लूटा गया था, ये कहाँ पर हुआ था, है ना, काकोरी कांड ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, सॉरी 1920 में, 1924 में, 1925 में या 1935 में? फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है। कई लोग इसका बता रहे हैं 1925, ये लखनऊ के पास है। अक्की तिवारी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखेंगे इसका सही जवाब है 1925, है ना, इसका सही जवाब क्या है 1925। ये कब हुआ था, 1925 में काकोरी कांड हुआ था, और ये काकोरी कहा यूपी के लखनऊ के पास स्थित है। 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1924 में याद रखेंगे कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता, एकमात्र ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। और 1935 में याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम बना था 1935 में, जो कि हमारे संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है, सबसे जो बड़ा सोर्स है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे संविधान का, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के लिए सालाना डैश रुपए आवंटित किए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि चार्टर एक्ट, ये जो है चार्टर एक्ट, आप लोगों को पता है चार्टर एक्ट कितनी बार, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में, इतनी बार ये चार्टर एक्ट आया है, है ना। चार्टर एक्ट की जब बात करते हैं तो 1830, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों पर वैज्ञानिक ज्ञान प्रसार के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे, यानी कितने रुपए खर्च करने की बात करी गई थी। ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 1000 यूरो या 500 यूरो। फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो कई लोग बता रहे हैं, गुड आफ्टरनून प्रदीप विश्वास जी, प्रदीप विश्वास जी बता रहे हैं 1 लाख, देवव्रत पलित जी बता रहे हैं 2 लाख, है ना, मंगल पाल जी, मेहर कक्कड़ जी, मैक्सिमम लोग यहां पर जो जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं 1 लाख। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब है 1 लाख रुपये, है ना, 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और आप लोगों को पता है शिक्षा के ऊपर जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम क्या था, दैट इज हंटर कमीशन। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, अगर बात करें तो याद रखेंगे ये जो चार्टर एक्ट है 1813, इसी एक्ट में याद रखेंगे चाइना का जो मोनोपोली था ट्रेड के ऊपर, इंडिया में जो ट्रेड के ऊपर चाइना की मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया था। किस चीज को छोड़कर? तो दो चीजों को छोड़कर, एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चाइना के साथ व्यापार। चीन और चाय का जो, चीन के साथ जो ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो, और जो टी का ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो, इस दोनों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर चाइना की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था इसी 1813 के एक्ट के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द मेयो कॉलेज वॉज स्टार्टेड एट डैश, मतलब मायो कॉलेज डैश से शुरू हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, अजमेर। दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, अजमेर, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग फटाफट बताइए, है ना, कि मेयो कॉलेज कब से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, दिल्ली से, कलकत्ता से, आगरा से, अजमेर से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल ज्योतिष्णा सोलंकी जी, चाय और चीन, बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना।
बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या मिंटो, मिंटो उस समय, मिंटो क्या था उस समय? अच्छा चलिए, इसका कभी सही लोग बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, कोलकाता। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग इंपॉर्टेंट वॉयसराय पढ़ रहे थे, वहां पर हमने बताया था मेयो के काल में, है ना, लॉर्ड मेयो के काल में हमने बताया था कि कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में नहीं हुई थी बेटा। मैक्सिमम लोग गलत बता रहे हैं। आर्टा जी आपने वायसराय वाला वीडियो नहीं देखा है ना, वायसराय वाले वीडियो में हम लोगों ने करा था इसे। सभी लोग, मैक्सिमम लोग गलत बता रहे हैं। दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब है अजमेर, है ना। इसका सही जवाब क्या है? अजमेर। अजमेर में ही मायो कॉलेज या मेयो कॉलेज की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? अजमेर में। वायसराय वाले वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को, है ना। और अजमेर में ही याद रखेंगे क्या है, अजमेर में ही आपके 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? दैट इज इन अजमेर। और याद रखेंगे यहाँ पर लॉर्ड मेयो, मेयो ने ही, मेयो के काल में ही हमारे देश का सबसे पहला जनगणना हुआ था। कब? 1872 में, 1872 में हमारे देश का सबसे पहला जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। और याद रखेंगे लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में एक दंडित अपराधी के द्वारा, एक दंडित अपराधी के द्वारा इस लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? इनको मार दिया गया था। कहाँ पर? ये अंडमान और निकोबार में। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न यह है कि रेगुलर, हमारे देश का रेगुलर सेंसस यानी कि नियमित जनगणना जो हमारे देश की हुई थी, नियमित जनगणना ये किसके काल से शुरू हुई थी? आप लोग फटाफट बताएंगे, हम लोग चलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा शब्द जीना। शब्द जीना जिसमें से जैन धर्म का जन्म हुआ है उसका अर्थ है, ऑप्शन ए ग्रेट, डिटैच्ड, नॉन वायलेंस या कनकरर ऑफ सेंसेस यानी कि महान, अलग, अहिंसा या इंद्रियों का विजेता। फटाफट बताइए, जिस शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, जीना शब्द से, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है ग्रेट। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अक्के तिवारी जी, मंगलपाल जी, प्रदीप विश्वास जी। 1881 में किसने शुरू करी थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। बिल्कुल शुभम टेक जी, मैं चलिए तो बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, बिल्कुल सही बता रहे हैं कुंदन कुमार जी, है ना। तो अक्की तिवारी जी इसका जवाब दे रहे हैं, सभी लोग इसका जवाब दे रहे हैं डी। आटा जी अब बफरिंग हो रहा है तो थोड़ा आप नेट के कनेक्शन को देखिए, नेट की स्पीड हो सकती है कम हो इसलिए हो रहा हो। चलिए तो इसका सही जवाब हमारे पास आना शुरू हो चुका है, दैट इज ऑप्शन डी, या फिर क्या बोलते हैं उसे, कनकरर ऑफ सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ और स्किन, ये जो है ये सभी क्या है, ये 5 इंद्रियां है। इन इंद्रियों पर जो विजय विजय पा लेता है उसे ही कहा जाता है जीना, जीना कहते हैं। और इसी जीना शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, जैन शब्द का ये उत्पत्ति हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब हमारा प्रश्न आप लोगों से है, जैन के 13वें तीर्थांकर कौन थे? आप लोग कमेंट में बताएंगे जैन के, जैन धर्म के 13वें तीर्थांकर कौन थे, आप इसका जवाब दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है मित्रों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। फटाफट जवाब दीजिए इसका, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब आना शुरू हो गया। बिल्कुल कुंदन कुमार जी, पारस्वनाथ, याद रखेंगे जैन के 13वें तीर्थंकर थे पारस्वनाथ, है ना। सौरभ कुमार जी, महावीर जी 14वें थे, जैन के 13वें तीर्थंकर थे पारस्वनाथ। और याद रखेंगे पारस्वनाथ के बारे में, रांची में यहाँ मतलब झारखंड में एक प्लेटू है, पारस्वनाथ प्लेटू, पारस्वनाथ पठार, पारस्वनाथ चोटी, ये याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर प्लेटू की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? पारस्वनाथ पीक या पारस्वनाथ चोटी, क्लियर है ना पॉइंट? पारस्वनाथ पीक या पारस्वनाथ चोटी, ये छोटा नागपुर पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है वहां का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हमारे पास आ रहा है, सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं। इसका सही जवाब है आत्मा राम पांडुरंग, है ना, आत्मा राम पांडुरंग ने ही इस प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती ने ही याद रखेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पर,
Who among the following was regarded by Mahatma Gandhi as his political guru? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? ऑप्शन है दादा भाई नरौजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। फटाफट इसका जवाब दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यस यस, 23वें एंड 24वें थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 23rd एंड 24th, ये बाय मिस्टेक वो था, ठीक है, 23वें एंड 24वें, 23rd वाज पारस्वनाथ, वेरी गुड पारस्वनाथ, एंड 24th वाज महावीर जैना, है ना, महावीर जैना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 35, इसका जवाब दीजिए, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? ठीक है, राजनीतिक गुरु के रूप में, सभी लोगों को इस सवाल का जवाब आ रहा है, सभी लोगों को इसका आंसर पता है, वेरी गुड। याद रखेंगे इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले या जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक हमारा सवाल आप लोगों से ये है, हमारे लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप लोग फटाफट बताएंगे कमेंट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल के दौरान भारत में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर वेयर द फर्स्ट टू कैम टू इंडिया, है ना, ऑप्शन है पोर्टुगीज, डच, डेनिश या इंग्लिश। पिछली क्लास में ही हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, पिछली क्लास में ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए कि मुगल काल के दौरान भारत में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे। कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, क्रम इनका पूछा जाता है, पहले कौन बाद में कौन, है ना, तो ये आसान है, जब क्रम पूछा जाता है थोड़ा वो मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके क्रम के बारे में पढ़ा था, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो हमारे बिल्कुल मनीषा सोलंकी जी बहुत सही बता रही है आप, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वसुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, वेरी गुड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब आ रहा है, सही जवाब सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं, कई लोग ब्रिटिश बता रहे हैं, कई लोग पोर्टुगीज बता रहे हैं, है ना, तो याद रखेंगे हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था PDEF, यानी पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज, कब आए थे ये? 1498 में, और सबसे लास्ट में गए भी कौन थे? पोर्टुगीज, कब गए थे? ये गए थे 1962 में, है ना। गोवा जो था, गोवा किनका वो था? गोवा इन्हीं का था, पोर्टुगीज का हुआ करता था, और जो फ्रांस और जो पोंडीचेरी था ये किसका हुआ करता था? फ्रेंच का हुआ करता था, फ्रांसीसियों का हुआ करता था। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? यहां पर हमारा ऑप्शन है पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल PDEF कराया था, बिल्कुल कराया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 37, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वरा ओरिसा रिलेट्स टू विच किंग? भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा शिलालेख उड़ीसा के डैश राजा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंशियंट हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न खास करके आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं। भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा शिलालेख उड़ीसा में डैश राजा से संबंधित है, ऑप्शन है सुसर्मा, हाला, खाड़वेला या पुलमई, फटाफट जवाब दीजिए। भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा, तो हमारे पास इसका जवाब भी आना शुरू हो चुका है, मतलब यहाँ पर बच्चे जो काफी तेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका जवाब भी आना शुरू हो चुका है, सभी लोग बता रहे हैं इसका जवाब और बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखेंगे दैट इज खारवेला, किस राजा से संबंधित है? खारवेला राजा से संबंधित है, और जब उड़ीसा की बात आती है याद रखेंगे उड़ीसा के अंदर नेशनल पार्क है सिमली पाल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये कहाँ पर है? उड़ीसा में कौन सा है? सिमली पाल नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? मठ
है ना, मठ जो है, जैसे कई सारे मठ है टोटल, ये चार मतलब मठ बनाए गए हैं, ये मठ जो है ये किस, इसकी स्थापना किसने करी थी, माधवाचार्य ने, शंकराचार्य ने, भास्कराचार्य ने या फिर रामानुजाचार्य ने, है ना, किसने करी थी आप लोग कमेंट कीजिए, माधवाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य या रामानुजाचार्य, फटाफट इसका जवाब दीजिए, किसने ये चार मठ की स्थापना करी थी, है ना, जो चार मठ है उसकी स्थापना किसने करी थी आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों, बिल्कुल सिमलीपाल फॉर टाइगर, बहुत बढ़िया, चिल्का लेक भी वहीं पर है देवव्रत जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, तो इसका सही जवाब आ रहा है हमारे पास, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब आ रहा है और सभी लोग सही बता रहे हैं, इसका सही जवाब है शंकराचार्य, है ना, शंकराचार्य। और शंकराचार्य आप याद रखेंगे इनका संबंध किससे, अद्वैतवाद से, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अद्वैतवाद इनका संबंध किससे है, याद रखेंगे अद्वैतवाद इसका संबंध किससे है, इसका संबंध शंकराचार्य से है, ठीक है ना, जिसे हिंदुओं का धर्म गुरु भी कहा जाता है शंकराचार्य को, है ना, इनका संबंध किससे है, अद्वैतवाद से है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था, बेहद ही आसान प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका जवाब मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा, इस प्रश्न का जवाब किसी भी बच्चे से गलत नहीं आना चाहिए, वास्को डिगामा भारत में कब आया था, एक पुर्तगीज यात्री था, एक पुर्तगाली यात्री था, है ना, वास्को डिगामा ये भारत में कब आया था, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना, चलिए, हाँ बिल्कुल, इनका जन्म केरला में हुआ था, इसका सही जवाब हमारे पास आना शुरू हो चुका है, इस प्रश्न का सही जवाब सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो सबसे याद रखेंगे ये कब आए थे, 1498 में, और कहाँ पर आए थे, तो ये आए थे कालीकट के तट पर, कहाँ पर, कालीकट, ये प्रेजेंट में कहाँ पर है, प्रेजेंट में ये कालीकट आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है ये कालीकट, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर इनका स्वागत करने वाले थे, याद रखेंगे राजा जुमोरिन, किसने स्वागत किया था इनका, राजा जुमोरिन ने, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या थी, साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या थी, फटाफट जवाब दीजिए, साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या थी, ऑप्शन है 10, 20, 7 और 12, 10, 20, 7 और 12, 10, 27 एंड 12, फटाफट इसका जवाब दीजिए, साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, बिल्कुल स्पाइसेस के सर्च में आए थे वो, देवव्रत पालित जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, स्पाइसेस के सर्च में वो आए थे, नॉट केरला, है ना, ये कहाँ पर, कालीकट, है ना, कालीकट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब हमारा आना शुरू हो चुका है, इसका सही जवाब आना शुरू हो चुका है, इसका सही जवाब हमारे पास आना शुरू हो चुका है, तो इसका सही जवाब सभी लोग बता रहे हैं 7, है ना, इसका सही जवाब सभी लोग क्या बता रहे हैं 7, तो याद रखेंगे साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन था जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन हुआ करते थे, साइमन कमीशन इसका गठन कब हुआ था, गठन हुआ था 1927 में, ये याद रखेंगे, साइमन कमीशन का गठन 1927 हुआ था, जिसमें कितने 7 सदस्य थे, और ये 7ों सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, और याद रखेंगे ये जो ब्रिटिश, इंग्लिश या अंग्रेज थे, है ना, 7ों सदस्य क्या थे इसके, अंग्रेज थे, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था जब ये भारत आए थे, भारत में कब आए थे ये भारत में आए थे 1928 में, और इसी के साथ याद रखेंगे जो हमारी संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा में जो एक समिति थी, ड्राफ्टिंग समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी, ठीक है, इस ड्राफ्टिंग कमिटी में भी कुल 7 सदस्य थे, और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, मे बी कालीकट, ओके मे बी अभी हो सकता है कालीकट का नाम, बिल्कुल वो मे बी, ठीक है, लेकिन जिस समय वो आए थे उस समय आंध्र में, ठीक है ना, जिस समय वो आए थे उस समय आंध्र में थे, है ना, मैं उसकी चर्चा, मे बी इस समय के वहां पर होगा, है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी सेकेंड राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको पता है कि हमारे उसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था, है ना। पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसने किया था? फटाफट जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब हमारे पास आना भी शुरू हो चुका है, बिल्कुल देवव्रत पाटिल जी, अभी वर्तमान में हो सकता, वर्तमान में होगा, है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब हमारे पास आना शुरू हो चुका है। तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, 1931 में महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने ही इंडियन कांग्रेस का नेतृत्व किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? भद्राचलम, हम्पी, चिदम्बरम या श्रीकालहस्ती, है ना। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है भद्राचलम, हम्पी, चिदंबरम या श्रीकालहस्ती। फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल देवव्रत पाटिल जी, बापू ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किया था, है ना। और महात्मा गांधी ने, बिल्कुल ज्योत्सना सोलंकी जी बिल्कुल सही बता रही हैं कि उन्होंने सिर्फ सेकंड आरटीसी यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। और तीनों आरटीसी यानी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही बता रही है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? इसका सही जवाब हमारे पास आना शुरू हो चुका है। इसका सही जवाब है हम्पी, हम्पी में ही प्रसिद्ध विरूपाक्ष टेम्पल है। और हमारा प्रश्न, आप लोग कामाख्या टेम्पल ये कहां पर है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को सही से पढ़ना है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संगमम या फिर कादंबरी, या फिर कादंबरी। फटाफट कमेंट कीजिए इसका कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? बिल्कुल कामाख्या मंदिर असम में, आजाद सिंह जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, रागेश पंडित जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ज्योतिष्णा सोलंकी जी बिल्कुल सही, कामाख्या मंदिर असम में है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसका फटाफट जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम या कादंबरी, है ना। साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए आप लोग, है ना। मदुरई में कुंदन कुमार जी मीनाक्षी टेम्पल है, है ना, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब है कादंबरी। कादंबरी जो है इसका सही उत्तर है। बाकी के जो रचनाएं हैं, बाकी की रचनाओं का आविष्कार, बाकी की रचनाएं रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये तीनों ही रचनाएं कालिदास के द्वारा लिखी गई है। हमारा प्रश्न आप लोगों से यह है, कादंबरी की रचना किसने करी थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। कादंबरी की रचना, बिल्कुल सुशील कुमार जी जवाब भी दे दिया है, सुशील कुमार जी ने एक ही, सुशील कुमार जी ने बता भी दिया है कि कादंबरी की रचना किसने करी है, बाणभट्ट ने, किसने करी है, बाणभट्ट ने। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और डेस के बीच लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और डेस के बीच लड़ी गई। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोदी, है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर या इब्राहिम लोदी। पानीपत की लड़ाई, जितने भी बैटल्स है बेटा, बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी लड़ाइयां हुई है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहां से प्रश्न बनते हैं, उसके ईयर से, उसमें कौन जीता या कौन हारा, वहां से प्रश्न बनता है, या किसके बीच में हुआ है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों को मैंने शामिल किया हुआ है, उस वैसे रिलेटेड प्रश्न मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई। बिल्कुल आटा महर जी, बाणभट्ट ने ही रचना करी है, बाणभट्ट ने ही रचना करी है, किसकी, जो बुक था कादंबरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है। सभी लोग बता रहे हैं 1556 में हुआ था, बिल्कुल 1556 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। अकबर और हेमू, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हल्का मिट्टी का मॉडल, एक क्ले मॉडल ऑफ प्लॉ हैज बीन फाउंड फ्रॉम, यानी कि मिट्टी हल, मिट्टी का हल, सिंपल सा ये प्रश्न ऐसे कह सकते हैं, मिट्टी का हल निम्नलिखित में से कहाँ से पाया गया था? बनवाली से, कालीबंगन से, राखीगढ़ी से, या फिर मीताथल से, या फिर मीताथल से, है ना, या फिर मीताथल से, ठीक है, बनवाली से, कालीबंगन से, राखीगढ़ी से, या फिर मीताथल से, फटाफट जवाब दीजिए। ये सभी जो हैं ये सारे हड़प्पन साइट्स हैं, ये सभी जो हैं हड़प्पा सभ्यता के साइट्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या पाया गया है, ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हल्का मिट्टी मॉडल यानी मिट्टी का हल कहाँ पर पाया गया था। यहाँ पर हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है, कई लोग बी बता रहे हैं, कई लोग सी बता रहे हैं, कई लोग मनीषा सोलंकी जी बता रहे हैं कालीबंगन, जो कई लोग बनवाली बता रहे हैं, है ना। तो मिट्टी का हल याद रखेंगे ये प्राप्त हुआ था कहाँ से, ये प्राप्त हुआ था बनवाली से। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ था, मिट्टी का हल याद रखेंगे ये बनवाली से मिला था, ये हमारा करेक्ट उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, विजयनगर का मध्ययुगीन शहर अब किस रूप में जाना जाता है। विजयनगर का मध्ययुगीन शहर अब किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है चंद्रगिरी, हेलबीडू, हम्पी, या कोंडाविडू। फटाफट जवाब दीजिए, विजयनगर का मध्ययुगीन शहर अब किस रूप में जाना जाता है, चंद्रगिरी, हेलबीडू, हम्पी, या कोंडाविडू। फटाफट कमेंट कीजिए। विजयनगर के संस्थापक कौन थे आप लोग ये भी बताएंगे, विजयनगर के संस्थापक कौन थे ये भी बताएंगे। बिल्कुल बनवाली, हरियाणा, सही बता रहे हैं आप लोग, है ना, ठीक है, बिल्कुल आजाद सिंह जी बनवाली में है, ठीक है ना। इसका भी सही जवाब आना शुरू हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हमारे पास आना प्रारंभ हो चुका है इसका। बिल्कुल सभी लोग सही जवाब बता रहे हैं, ये कहाँ पर है, दैट इज इन हम्पी, है ना। वर्तमान में क्या कहा जाता है, हम्पी कहा जाता है, और ये विजयनगर की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। तो हमारा प्रश्न आप लोगों से यह है कि विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना करी किसने थी, कमेंट में। बिल्कुल हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका कि विजयनगर की स्थापना या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने मिलकर करी थी, किसने करी थी, हरिहर और बुक्का ने मिलकर। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन अकबर की अदालत में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था, इसका मूल नाम क्या था। तानसेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के अदालत में यह क्या हुआ करता था, संगीतकार, फेमस म्यूजिशियन था। पूछा जा रहा है कि इसका मूल नाम क्या था, इसका मेन नाम क्या था, ठीक है ना, ओरिजिनल नेम क्या था। लाल कलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, या मार्कंडे पांडे। फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब दे। और दोस्तों वीडियो को लाइक से भी साथ में करते रहिए। तो मंगलपाल जी बता रहे हैं रामतनु, मेहर कक्कर जी रामतनु पांडे बता रहे हैं, कई लोग इसका बंदा बहादुर बता रहे हैं, है ना, आजाद सिंह जी रामतनु पांडे बता रहे हैं, मनीषा सोलंकी जी रामतनु पांडे, वीरेश कुमार जी रामतनु पांडे बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब याद रखेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इसका सही जवाब है रामतनु पांडे, है ना। इन्हें ही राम, जो मतलब तानसेन हुआ करते थे, तानसेन किसका ओरिजिनल नाम क्या हुआ करता था, रामतनु पांडे हुआ करता था। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता ये विदेशी यात्री थे, है ना, कई सारे विदेशी यात्री हमारे भारत में भ्रमण पे आए हुए हैं, जो हमारी एंशियंट मतलब एंशियंट हिस्ट्री में भी, मेडिवियल हिस्ट्री में भी कई सारे विदेशी यात्री हमारे देश में आए हैं। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया, इब्न बतूता ये किसके काल में, किसके शासन काल में भारत में आया था। इल्तुतमिश के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या बलबन के काल में। फटाफट आप जवाब दीजिए। तो बोल रहे बता रहे हैं मंगलपाल जी 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मनीषा सोलंकी जी एमबीटी, बिल्कुल ज्योतिषना सोलंकी जी खिलजी नहीं, याद रखेंगे इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। किसके काल में आया था ये, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता कहाँ आया था, इंडिया में आया था। हमारा प्रश्न आप लोगों से ये है कि वेनसांग एक यात्री हुआ करता था, वेनसांग, है ना, वेनसांग, ये वेनसांग
किसके काल में भारत आया था ये आप लोग कमेंट कीजिए। वैन शांग किसके काल में भारत आया था ये आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था। गुरु नानक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु नानक का इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, आप लोग बताइए। ऑप्शन है गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी। गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी, फटाफट जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल मोरक्को से आया था आजाद सिंह जी, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता जो कुतुबुद्दीन। मंगलपाल जी बता रहा है हर्षवर्धन, वेरी गुड, है ना। वैन सांग याद रखेंगे किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। मोरक्को के थे मनु चौहान जी, मोरक्को के थे इब्न बतूता, ठीक है ना। चलिए तो इसका जवाब आना शुरू हो चुका है। मेहर कक्कर जी बता रहे हैं तलवंडी, बबलू राय जी, देवव्रत पाटिल जी ये बता रहे हैं, आजाद सिंह जी तलवंडी बता रहे हैं। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब है, गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था तलवंडी, और ये तलवंडी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्य का प्रतीक डैश स्तंभ से अपनाया गया था। भारत के राज्य का प्रतीक डैश स्तंभ से अपनाया गया था। ऑप्शन है आपके पास अलाहाबाद स्तंभ, अशोका स्तंभ सारनाथ, सिशना एडिक्ट, उसके बाद स्तंभ एडिक्ट, पिलर एडिक्ट। फटाफट जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है। भारत के राज्य का प्रतीक जो हमारे देश का प्रतीक है ना, जो हमारे देश का नेशनल सिंबल है ना, नेशनल सिंबल, ये नेशनल एम्बलम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ से अपनाया गया है, फटाफट जवाब दीजिए। इलाहाबाद स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, या सिज्म एडिक्ट से, या पिलर्स एडिक्ट से। यहाँ पर जवाब आना बिल्कुल अशोका स्तंभ सारनाथ से, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे सारनाथ के अशोका स्तंभ से। और ये सारनाथ का अशोका स्तंभ ये भी कहाँ पर है, सारनाथ का अशोका स्तंभ ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारे कहाँ पर है, दिस इज इन MP मध्य प्रदेश में है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, अशोका पिलर, बिल्कुल सही बता रहे हैं सारनाथ के अशोका पिलर से, बिल्कुल है ना। 13वें शिलालेख का संबंध, कुंदन कुमार जी, 13th शिलालेख का संबंध कलिंगा विजय से है, जो कब हुआ था, कलिंगा युद्ध 261 BC में हुआ था, है ना, 261 BC में हुआ था, बिल्कुल आर्टा मेहर जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अशोका स्तंभ जो कि सारनाथ में है ना। रजनीश यादव जी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म प्लेस गरिमा साक्षी जी बिल्कुल सही बता रही है, पटना साहिब, है ना, बिल्कुल सही बता रही हैं, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ये यस ये यूपी में है, नॉट वाराणसी, सॉरी ये नॉट MP, यूपी में है ये सारनाथ, सॉरी वाराणसी के पास, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर वो हो गया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत गांधी की अनुपस्थिति में, गांधी की अनुपस्थिति में, ये वाराणसी के पास है सारनाथ, सॉरी ये वहाँ से जस्ट पास में है। गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफली या दादा भाई नरोजी। बिल्कुल आजाद सिंह जी, ये बाय मिस्टेक वहां पर सांची, बिल्कुल ये सांची मेरे दिमाग में आ गया था, है ना, सांची स्तूप मेरे दिमाग में आ गया था, ठीक है ना, यूपी में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। फटाफट कमेंट कीजिए, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफली या दादा भाई नरोजी। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली या दादा भाई नरोजी, फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। चलिए तो इसका सभी का जवाब दे रहे हैं, इसका सही जवाब है, याद रखेंगे, अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली ने ही उनके अब्सेंट में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो हमारा प्रश्न आप लोगों से इस दौरान,
है ना। इस दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था आप लोग कमेंट में बताएंगे, भूमिगत रेडियो का संचालन इस समय किसने किया था आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन। हाँ, टफ भी सवाल आएगा मंगल पाल जी, टफ भी सवाल आएगा। ये एक्चुअली MTS के लेवल का सवाल है ना, टफ भी सवाल लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1920 के बाद से असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस ले लिया गया था? 1920 का असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस ले लिया गया था? ऑप्शन है गांधी जी के बीमार स्वास्थ्य के कारण, कांग्रेस के अतिवादी नीतियां शुरू की गई थी इसके कारण, ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा एक उत्साही अपील की गई थी, या चौरी चौड़ा में हिंसा शुरू हुई थी इसके कारण। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर यह आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डलहौजी क्या, दिलीप सिंह जी क्या बता रहा है डलहौजी? मेरा प्रश्न आप लोगों ने समझा नहीं। डलहौजी एक्चुअली उनके समय में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था, टेलीग्राम का प्रारंभ हुआ था। मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था, मेरा ये प्रश्न था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हमारे पास आना शुरू हो चुका है। सभी लोग बता रहे हैं इसका सही ऑप्शन डी, यानी कि चौरी चौरा। बिल्कुल, चौरी चौरा कांड इसका, इसी से स्तब्ध होकर, इसी से क्षुब्ध होकर, इसी चौरी चौरा कांड से स्तब्ध होकर गांधी जी ने क्या किया था, अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। अपने आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो हमारा प्रश्न आप लोगों से है, वो भी आएगा, उसके लिए भी हम लोग सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, वॉयलेंस यहाँ पर क्या हुआ था, पुलिस चौकी को जला दिया गया था। तो ये आया कब, ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था, किस दिन इस आंदोलन को वापस लिया गया था आप लोग? बिल्कुल, हिंसा हो गई थी बबलू राय जी, है ना। तो याद रखेंगे, अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था, याद रखेंगे उनका नाम था ऊषा मेहता। क्या नाम था उनका? ऊषा मेहता ने ही भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, किस दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये हमारा अगला प्रश्न आप लोगों से है कि चौरी चौड़ा जो ये हुआ था, चौरी चौड़ा जो वायलेंस हुआ था, ये किस दिन और कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये आप लोग कमेंट करेंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, है ना। बिल्कुल आजाद सिंह जी, लॉर्ड लिथिगो थे उस समय हमारे देश के वॉयसराय, लॉर्ड लिथिगो थे। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारे देश के वॉयसराय कौन हुआ करते थे। तो याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारे देश के वॉयसराय लॉर्ड लिथिगो थे। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, क्रिप्स मिशन भी 1942 में भारत आया था, और उस समय भी हमारे देश के वॉयसराय कौन थे, लॉर्ड लिथिगो थे। तो ऐसे प्रश्न भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास रानी अहिल्या देवी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थॉमी की रानी, या फिर डी के करवे, धोंडो केशव करवे। फटाफट जवाब दीजिए इसका। नॉट अहिल्या, ये आजाद सिंह जी अहिल्या देवी बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल कुंदन कुमार जी, 5 मार्च नहीं होगा, 5 फरवरी है इसका उत्तर, है ना, 5 फरवरी। बबलू राय जी, 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, चौरी चौरा वाली कब हुई थी, 5 फरवरी 1922, ये डेट याद रखेंगे, नॉट 22 फरवरी, है ना, 5 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है आपके पास रानी अहिल्या देवी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थॉमी की रानी, या डी के करवे। तो सभी लोग इसका, मैक्सिमम लोग ए बता रहे हैं, कई लोग बी बता रहे हैं, है ना, कई लोग ए बता रहे हैं, कई लोग बी बता रहे हैं। देशपाल प्रताप पात्र जी डी बता रहे हैं, ठीक है। मेहर कक्कर जी बी बता रही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर बता रहे हैं। तो दोस्तों, प्रश्न को सही से पढ़िए। यहाँ पर पूछा गया है पहली महिला विश्वविद्यालय, वुमन यूनिवर्सिटी की बात की गई है, और याद रखेंगे पहली वुमन यूनिवर्सिटी की स्थापना डी के करवे ने करी थी। किसने करी थी बेटा? डी के करवे ने सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और अहिल्या देवी से याद रखेंगे, अहिल्या देवी होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, ये याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, अहिल्या देवी होलकर इंटरनेशनल, अहिल्या देवी होलकर एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, ये है इंदौर में। और याद रखेंगे राजा भोज एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, दिस इज इन भोपाल। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द सर्वेंट ऑफ, बिल्कुल डी के करवे, ज्योतिष्णा सोलंकी जी अब सही बता रहे हैं, दिलीप कुमार बेहरा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं,
है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून को, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हैं अक्की तिवारी जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सही जवाब दीजिए। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने, बिल्कुल डीके कर्वे है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है, राजा भोज भोपाल में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका सही जवाब दीजिए एमजी रानाडे, बिल्कुल नहीं, नॉट एमजी रानाडे, है ना, कई लोग इसका एमजी रानाडे बता रहे हैं ऑप्शन सही जवाब, बिल्कुल एमजी रानाडे नहीं है, एमजी रानाडे नहीं है बेटा, ठीक है। इसका सही जवाब है, याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी गुड, बहुत कई लोग एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में कंफ्यूज हैं, याद रखेंगे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। इसके बाद चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कहाँ पर हुई थी, ये प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आपसे बन सकते हैं, एक तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, ये तो सवाल में ही दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी, लेकिन आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी। ऑप्शन है मांडले, सिंगापुर, मिदनापुर या कुआलालंपुर, फटाफट बताइए इसका सही जवाब, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, है ना, आजाद कौन कहाँ की थी, किस, डीके कर्वे ये महाराष्ट्र के थे, है ना, डीके कर्वे जो थे वो महाराष्ट्र के थे, है ना। चलिए तो इसका बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने नहीं बेटा, ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी, है ना, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी, कब, 1943 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कुआलालंपुर, तो हमारा आपसे प्रश्न ये है जाते जाते, कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है, कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है, आप लोग बताइए, फिर बाकी के कल के सीरीज में हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे, थोड़े से और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सीरीज वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाएंगे, है ना, प्रश्नों के लेवल को बढ़ाते जाएंगे, और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अगर कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो तो आप बता सकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। हमारा प्रश्न था आप लोगों से कि कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है, तो जवाब आना शुरू हो चुका है सभी लोग, मनीला बेटा, देखिए मनीला, रवि संचोरा जी, एक्चुअली मनीला फिलीपींस की राजधानी है ना, मनीला एक्चुअली राजधानी है कहाँ की, फिलीपींस की, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है ना, कुआलालंपुर इज कैपिटल ऑफ मलेशिया, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में।